वो सारा वीडियो है तेजस्वी, नोट कर लो, इस वीडियो को तेजस्वी तक पहुंचा दीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। जब चुनाव आएगा ना, सात इसी दिल्ली में सात बिल्डिंगें हैं, तीन फार्म हाउस हैं, सब एड्रेस नोट करके रखे हैं। जिस दिन चुनाव आएगा माइक लेके हम भी निकलेंगे मनीष के लिए। यह जो कहा था ना कि सरकार गिरा देंगे, वही डर अगर मनीष नहीं किया तो उसका भाई करेगा। जो मैं करने के लिए कह रहा हूँ ना, यही मनीष करता, चढ़ जाता इनके बंगले पे और अब तक इनको फाड़ के रख देता। ऐसे नहीं कहा था कि तुम्हारी सरकार गिरा देंगे, डर के पुंगी बच गया था। इसका बाप जेल में रह के आया, इसका ब्लड चोरों का है, इसके माँ के नाम से मुकदमा है, इसके बहनों के नाम से मुकदमा है, इसके पूरा खानदान के नाम से मुकदमा है। अभी एक और चीज, इनके ब्लड में चोरी है। लालू यादव के बाप भी चोर थे, वो भैंस अपने वहां चुरा के रखते थे। नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक व्यूज इंडिया पर, मैं हूं रजत शर्मा। मनीष कश्यप, जी हाँ, एक नाम जो है वो ट्रेंडिंग में चला हुआ है। बिहार के एक ऐसे पत्रकार जो ग्राउंड जीरो से लगातार पोल खोलने का काम कर रहे थे, अब बिहार सरकार और प्रशासन द्वारा उनको जेल में डाल दिया गया है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुधीर पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका पब्लिक व्यूज इंडिया पर। कैसे देखते हैं पांडे जी, आप रग रग से वाकिफ हैं बिहार की, क्या लग रहा है आपको, किस तरीके की सियासत है या फिर ये तानाशाही लगातार हो रही है? सियासत क्या है, तो शुद्ध रूप से तानाशाही है यार। एक बात बताइए, वह गया आदमी तमिलनाडु, होटल में था, होटल में जाता है, चूंकि त्यौहार का टाइम था, होली का टाइम था, वो स्टेशन पे गया, हो स्टेशन पे जाके और सिर्फ वहाँ के वहाँ का वीडियो लेके आया ट्रेन का, फिर वापस चला आता है और उसके बदले में तमिलनाडु में 12 मुकदमे हैं। तमिलनाडु की पुलिस आके वेट कर रही है बिहार में, यह जानबूझ के स्टालिन दोनों मित्र, समझ रहे हैं ना, सेकुलर गैंग, मोदी विरोधी, ये मोदी को कहा जाता है तानाशाह, लेकिन यह दोनों लालू बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार एक छोटे से पत्रकार के पीछे 12 मुकदमे, वहां 13 मुकदमे बिहार में। कौन सा डान है वो जी? ये पकड़ते हैं कभी है। पकड़े तो क्या, पीएफआई को किसने पकड़ा? ईडी ने जाके पकड़ा। मैं पूछता हूँ नीतीश कुमार से, बिहार पुलिस जो भी हो तुम, डीजीपी तुम, स्टार लगाते हो ना, कसम खाते हो संविधान का ना, तुम सब कुछ करते हो ना, पीएफआई का नाम कब आया? जब भारत सरकार गई, आप क्या चूड़िया पहन के बैठे थे, क्या कर रहे थे नपुंसकों? अरे उस संविधान की रक्षा करो। तुमको वर्दी दलाली करने के लिए, तेजस्वी की दलाली और नीतीश की दलाली के लिए नहीं मिली है, लेकिन कितने बड़े चाटुकार हो गए हो कि उस एक बच्चे के पीछे, समझ लीजिए वहां खान सर हैं, वो कोचिंग चलाते हैं, वो कुछ पैसा दे दिए प्रमोशन के लिए। वहाँ एक लाबी है आईएएस की, कोचिंग चलाती है, उसने पैसा दे दिया कि भैया हमारा प्रमोशन कर दो, इसलिए कि 6 मिलियन सब्सक्राइबर हैं अपने, अब प्रमोशन के लिए वो लोग पैसा दे देते हैं कि नए बच्चे आएंगे हमारे कोचिंग में पढ़ेंगे, इसके लिए अब उनके ऊपर भी। जानते हैं क्या असली उद्देश्य क्या है? आपके जैसे लोग माइक लेके तेजस्वी यादव का और नीतीश कुमार का भ्रष्टाचार एक्सपोज न करें, इसके लिए अभी अभी 30 लोग, उस 30 मुकदमे लिखे गए हैं, उसमें 27 सिर्फ माइक वाले हैं जी, सबको जेल में डाल दिया गया है। अभी सिर्फ मनीष कश्यप का नाम आ रहा है ना, जितने तेज बिहार में पत्रकार थे सिर्फ तेजस्वी के जो दलाल वहां 2-3 हैं उनको छोड़ के बाकी सारे बच्चों को जो रगड़ दिए थे, जो एक्सपोज करते थे बिहार के भ्रष्टाचार को, सभी आज जेल में हैं। तो लगातार वो कहते हैं कि जैसे लोकतंत्र की हत्या हो रही है पूरे देश में, विपक्ष कह रहा है, तो क्या वाकई में यह बिहार की भी जो लोकतंत्र वहां पर बचा हुआ है वो भी क्या जाता हुआ नजर आ रहा है? काहे का लोकतंत्र यार, कैसा लोकतंत्र? आज वो कहा है सारे गुजराती चोर होते हैं, सारे गुजराती महात्मा गांधी चोर थे, कहाँ से थे तेजस्वी? मुकदमा होना चाहिए कि नहीं? सरदार वल्लभ भाई पटेल जिस पूरे भारत को एक कर दिए, कौन थे जी? पूरे भारत को उनको लौह पुरुष कहा जाता है और उनको ये तेजस्वी चोर का बेटा चोर, इसका बाप जेल में रह के आया, इसका ब्लड चोरों का है, इसके माँ के नाम से मुकदमा है, इसके बहनों के नाम से मुकदमा है, इसके पूरा खानदान के नाम से मुकदमा है। अभी एक और चीज, इनके ब्लड में चोरी है। लालू यादव के बाप भी चोर थे, वो भैंस अपने वहां चुरा के रखते थे, इसलिए कह रहा हूं कि नहीं, मैं कह रहा हूं अभी लालू तेजस्वी के चाचा का लड़का एक बिल्डर से 1.5 करोड़ रुपया एक्सटॉर्शन में लिया है, मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है,
तेजस्वी चढ़े हुए हैं, वो ये मामला नीतीश कुमार बोल नहीं पा रहे हैं और वह आके लाके वो बिल्डर। ऐसी अगर बात कर ले पांडे जी, जैसे लगातार चारे घोटाले की बात कर ले, वो रेलवे में नौकरी देने की बात कर ले जमीन के बदले, बात कर ले उन 53 लाख की जो तेजस्वी के घर में पाए गए, बात कर ले उस 1.5 से 2 किलो सोने की, और कंपेयर करें अगर 42 लाख मनीष कश्यप के अकाउंट में थे तो उसको कैसे देखते हैं? क्या वाकई में वहां पर उन पर जांच नहीं होनी चाहिए? सिर्फ 42 लाख पर जांच होगी? क्या मनीष कश्यप जो पत्रकार है उनको अंदर डाला जाएगा? साहब एक दुर्भाग्य की बात बताऊं, तेजस्वी के घर गए थे, बंगला नंबर 1088 चढ़ गए थे, हम चढ़ गए थे, वीडियो बना रहे थे, लेकिन ऊपर से फोन आया गृहवती यहाँ से दिल्ली पुलिस को, हम लोगों को थी पुलिस ले गई बिठाई, दिल्ली पुलिस ने कुछ कहा नहीं, कहा कि चूंकि उनका उनका जान बूझ के, जानते हो कितने की संपत्ति है, 500 करोड़ का, ठीक ना जी। वो वीडियो है मेरे पास, इस वीडियो में डलेगा वो, देखिएगा आप लोग, पुलिस जो बैठाई हुई है, और कही कि वीडियो डिलीट कर दीजिए, ऊपर से आदेश है कि अगर एक्सपोज हो जाएंगे तो जो ट्रेन में गरीब आते हैं वो देख लेंगे तो हमको क्या देंगे, कल वोट नहीं देंगे। ये तेजस्वी यादव यहाँ और उनकी बीबी जो यहाँ बैठी थी, इसी तरह से एसओ का पैर पकड़ ली कि मेरे पति के और मेरे ससुर की इज्जत की सवाल है, या इस घर का बिल्डिंग का फोटो अगर गरीबों के पास चला गया तो वह पूछेंगे कि भैया तुम तो मसीहा हो गरीबों के, तुम संविधान के रक्षक हो, तुम कहते हो हमने तुमको आवाज दिया, तुम ये क्या बना रखे हो, इसके लिए फैक्ट्री क्यों नहीं खोले, इसके लिए स्कूल क्यों नहीं खोले, इसके लिए बड़े हॉस्पिटल क्यों नहीं खोले, तो पूछेंगे ना। तो वो पैर पकड़ ली, तो SHO बाहर निकला और SHO कहा कि पांडे जी औरत है, हाथ जोड़ रही है ना, कृपया, मैंने कहा जाओ, हम माफ करते हैं, कोई बात नहीं है, उस दिन निकालेंगे वो सारा वीडियो है, तेजस्वी नोट कर लो, इस वीडियो को तेजस्वी तक पहुंचा दीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है, जब चुनाव आएगा ना, सात इसी दिल्ली में 7 बिल्डिंगें हैं, 3 फार्म हाउस हैं, सब एड्रेस नोट करके रखे हैं, जिस दिन चुनाव आएगा माइक लेके हम भी निकलेंगे, तो उनके उसके लिए मनीष के लिए यह जो कहा था ना कि सरकार गिरा देंगे, वही डर अगर मनीष नहीं किया तो उसका भाई करेगा, हम माइक लेके निकलेंगे और इस तेजस्वी की ईंट से ईंट बजा देंगे, चैलेंज कर रहा हूँ। अच्छा। सब नोट करके रखा गया है, कहाँ कहाँ है, सैकड़ों फैक्ट्री खुल सकती है सिर्फ दिल्ली। लगातार आरोप लग रहे हैं कि मनीष कश्यप के पीछे किसी का हाथ है, कोई सपोर्ट कर रहा है, तो आप कह रहे हैं कि मैं भी ईंट से ईंट बजा दूंगा, आपके पीछे भी किसी का हाथ है क्या? किसी का हाथ नहीं है, मनीष वही काम जो मैं करने के लिए कह रहा हूँ ना, यही मनीष करता, चढ़ जाता इनके बंगले पे और अब तक इनको फाड़ के रख देता हूँ, ऐसे नहीं कहा था कि तुम्हारी सरकार गिरा देंगे, डर के पुंगी बच गया था, मैं चढ़ सकता हूँ तो मनीष नहीं जाता, वो डरता था जी। इनकी सरकार होती थी तो इनके ऊपर चढ़ जाता था, तो वो मानता, समझ रहे हैं, इनके बहन का एक्सपोज करता, लालू के प्रॉपर्टी एक्सपोज करता, तेजस्वी का एक्सपोज करता, पूरा इनका जिस तरह से ऑपरेशन करता है डॉक्टर ना, उसी तरह से इनके पूरे डकैती का ऑपरेट कर देता, वह डर वहाँ है। वो तो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे घर में सोना पाया गया है, वैसे तो आपने बड़ी बात बताई है ये अभी, लेकिन वो कह रहे हैं ये तो सबके घर में पाया जाता है लगातार, और वो ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि जैसे मुझे उन्होंने बोला है विधानसभा में कि मुझे CM नहीं बनना है, और बगल में बैठे जो उनके गठबंधन है RLD और JDU का, सॉरी RLD कह रहा हूँ, JDU और उसका, तो क्या लग रहा है आपको कि क्या कहना चाहते हैं? CM नहीं बनना चाहते और वो PM नहीं बनना चाहते, तो फिर क्या चल रहा है? ये जो सजा दी जा रही है मनीष कश्यप को, ये कह रहे हैं वो प्रशासन दे रहा है, जुडिशरी दे रही है। अरे तो माल मिल ही रहा है, मॉल बनवाने के लिए पैसा ही कमाना है ना भाई, उनको जनता की सेवा करना है, CM बने या डिप्टी CM बने, जिसको जनता की सेवा करना हो राजनीति सेवा के लिए होता है, जिसको सेवा करना हो उसके लिए कुर्सी का महत्व है, वो डिप्टी अब नीतीश चाचा उनको फुल्ली दे दी जी। कि सिर्फ हमारे पास गृह मंत्रालय है, बाकी तुम संभालो। माल जब मिल ही रहा है, जब इसी तरह से प्रॉपर्टी बनाना ही है जी। तो कुर्सी का क्या मतलब है? बात समझ रहे हैं ना, माल खींचा जा रहा है, कह रहा हूं ना, एक्स्ट्रा डकैती लूट अपहरण शुरू हो गया है, इसी से ना माल आएगा, तो माल आना शुरू हो गया है। अब बच्चों को रोजगार के रूप में कहे हैं तो कट्टा पकड़ा दिया गया है, अब लूट के लाएंगे, आधा तेजस्वी लेंगे और आधा उसके घर, मैंने जो लड़का
ईडी और सीबीआई पर बातचीत आ जाती है, कह रहे वो तो जांच एजेंसियां जो हैं वो केंद्र की सरकार की हैं, वो जो कहते हैं उन पर ही जांच होती है, अदरवाइज नहीं होती किसी पर, उसके ऊपर क्या कहना होगा? ऐसी बिहार की अगर अब बात कर लेती है, तेजस्वी यादव ने आरोप लगाए नहीं तो कहे नहीं, इस समय सरकार तुम्हारी है ना, भाजपा के नेता पहले मंत्री थे ना, उनके ऊपर करो कार्रवाई, करो कार्रवाई उनके ऊपर। तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तेजस्वी, तो बिहार में नीतीश के साथ भाजपा के नेता थे ना, करो कार्रवाई। हम तो चाह रहे हैं, जनता इस देश का चाह रही है कि जितने इस देश को लूटा गया है, जिसने जिसने लूटा है, सब मिलकर राजस्थान में करे सरकार। इसके पहले भाजपा की सरकार थी ना, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार थी ना, करो ना कार्रवाई, कौन रोका है? तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है जिस तरीके से पोल खुल रही थी, क्या मनीष कश्यप के पास और भी कुछ ऐसे एविडेंस थे? तो तुम कार्रवाई करोगे नहीं, और मोदी जी करेंगे तो उनके ऊपर कहोगे कि ईडी और सीबीआई भेज रहे हैं, तुम भी करो, तुम्हारे पास भी पावर है, तुम्हारे पास भी विजिलेंस है, सारी शक्तियां स्टेट के जांच कराने का। अच्छा, ये सीबीआई की जांच चीफ मिनिस्टर कराता है कि नहीं? जब कोई झगड़ा हो जाता है या किसी लोग डिमांड करते हैं, जो यहाँ जोगी जी दिए थे कि नहीं सीबीआई आदेश, वो हाथरस वाले कांड में दिए थे ना, तो जब चीफ मिनिस्टर को डर है कि वह सीबीआई जांच करा सकता है, तो तुम काहे नहीं करा रहे हो भैया? फटती है कि सारा लूट के तुम बैठे हो, उनके पास मिलेगा नहीं, हम भी लूटो तुम भी लूटे, लूटने की आजादी है, सबसे ज्यादा वह लूटे जिसके ऊपर खादी है। कब तक चलता रहेगा यह डकैती? इसी को तोड़ दिया। तो क्या अब आपको लग रहा है कि तेजस्वी यादव डर गए हैं मनीष कश्यप से? क्या उनको लग रहा है कि अगर कोई टक्कर दे सकता है वो मनीष कश्यप है, इसको जेल में डलवा दो, क्या ऐसा है? पूरा भ्रष्टाचार एक्सपोज कर देता। और दूसरा काम वो कर रहा था जानते हैं, वह बिहार में जो जाति का कीड़ा डाला गया है दिमाग में ना, उसको वो खाली कर रहा था जी। इसलिए कह रहा हूँ, आज खुला चैलेंज कर रहा हूँ पूरे बिहार के जितने तुम जातिवादी हो, कहते हैं ना लालू परिवार हमने तुम्हें बोलने का अधिकार दिया जी। तो मैं पूछता हूँ कि दलित की बेटी सबसे पहले मुख्यमंत्री बिहार में बनी कि उत्तर प्रदेश में बनी? क्यों बनी पहले उत्तर प्रदेश में? अगर लालू यादव ने सबको सामाजिक न्याय की बात करते हैं, कहते हैं दलित पिछड़ों का बेटा हूं, मैंने न्याय दिया और मुख्यमंत्री बनी यूपी में, लालू यादव किसी दलित को क्यों मुख्यमंत्री नहीं बनाए? किसने बनाया? अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार मायावती को मुख्यमंत्री बनाया। कौन है सामाजिक न्याय करने देवता? है हिम्मत? तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तो बता दो, बता देना, पूछ देना है ना कि कौन है असली सामाजिक न्याय का देवता? तुमने कभी नहीं बनाया। और नहीं तो सुनिए, मुलायम सिंह से और मायावती वाला कांड हुआ था तो जब लालू यादव आए थे तो जानते हैं क्या बोले थे? सोना कटे सुनारे से कि लोहा कटे लोहारे से, कहनी मुलायमा सारे से, मत हाथ मिलाओ चमारे से। ये नारा है, यह सामाजिक न्याय का नारा है, यही है, ये बयान में है लालू यादव का, यही है ना सामाजिक न्याय। और उस प्रदेश में मायावती को अटल बिहारी वाजपेयी और यही भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि नहीं, सबसे पहले हमारी बात घूम फिर कर मनीष कश्यप पर आ रही है, मनीष कश्यप वर्सेस तेजस्वी यादव 2025 में हो सकता है या नहीं, ये बताइए मुझे। अरे भाई, जेल से छूटना पूरा प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरह से चुनाव तो रोक दिया गया, चुनाव जिस दिन वह निकलेगा 180 दिन में बिहार की सरकार गिरा देगा, एक्सपोज करके इनके भ्रष्टाचार को इतना उजागर करेगा कि नीतीश कुमार को घुटने टेक लेना पड़ेगा और सरकार गिरेगी, इसलिए कि बिहार की जनता हर विधायक को हर सांसद को उनके घर में घेर लेगी कि हम कब तक लुटवाते रहेंगे तुमसे, हमारे पैसे से तुम कब तक निकलोगे, सरकार गिराओ और नहीं तो हम वोट नहीं देंगे, बहिष्कार कर देंगे। यही डर उसके ऊपर लगातार मुकदमे लिखे जा रहे हैं कि उसको जेल में रखो, नहीं तो आके वो पूरे बिहार के समीकरण को, हमारा जातिवादी समीकरण है, उसको तोड़ देगा। यही डर है जिसके वजह से मनीष कश्यप को बार बार उसके ऊपर फर्जी मुकदमे लाद लाद के बार बार उसको उसके लिए उस समय मांग मांग के 7 दिन का रिमांड तो 10 दिन का रिमांड तो इतने दिन का रिमांड मांगा जा रहा है, ताकि उस रिमांड में फर्जी उससे उगलवा के और तरह तरह का एक्सटॉर्स वो टार्चर करके, अरे यार अगर यही करना है तो लाओ ना, मैं आतंकवादी बना दे रहा हूँ नीतीश कुमार को,
और तेजस्वी को। अरे यार दो बिजली का तार लगा दो उसमें और सटा दो। नीतीश कुमार खुद कहेंगे सबसे बड़का आतंकवादी है तेजस्वी। मार के कुछ भी बोलवाया जा सकता है, बाहर निकाल के पब्लिक में जरा 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 करवाओ ना, तब समझ में आएगा। पुलिस जानती जानते नहीं है पुलिस किस तरह से काम करती है, तो उसी वही आधार बनाया जा रहा है फर्जी मुकदमे का, बाकी कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं है। चलिए तो देखिए हमारे साथ थे सुधीर पांडे जी, जो बिहार की रग रग से वाकिफ है, पूरा जानते हैं कि वहां पर जिस तरीके से राजनीति होती है वो किस चीज को लेकर होती है। अब लगातार सवाल है मनीष कश्यप के ऊपर। मनीष कश्यप एक ग्राउंड जीरो के पत्रकार जो कि बड़े बड़े नेताओं की पोल खोलते हैं, जो एक मजदूर की आवाज उठाते हैं, जो युवाओं की आवाज उठाते हैं, क्या अब उनकी आवाज को दबा दिया जाएगा? और ये लगातार खैर वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि मनीष कश्यप को कब तक रिहा किया जाएगा, लेकिन लगातार लड़ाई जारी रहेगी। बात एक लास्ट में यही कहूंगा, ना डरेंगे ना डरने देंगे, ना झुकेंगे ना झुकने देंगे, जनता की आवाज और ऐसे पत्रकार जो कि हमारे देश के लिए काम करते हैं, लोकतंत्र के लिए काम करते हैं, राष्ट्रवाद के लिए काम करते हैं, उनकी आवाज ऐसे उठाते रहेंगे। मुद्दे की बात लगातार यूं ही जारी रहेगी। नमस्कार।